हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आप देखोगे टॉप 5 पॉपुलर होंडा कार्स इन इंडिया। नंबर 5 पर है होंडा अमेज। होंडा अमेज मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में हमें देखने मिल जाती है। इस कार में हमें पावर विंडोज फ्रंट एंड रियर, एयर कंडीशनर, पावर स्टेयरिंग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे और भी कई फीचर्स देखने मिल जाते हैं। इंजन की बात करें तो इस कार में हमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने मिल जाता है और माइलेज अराउंड 80-24 किलोमीटर पर लीटर का। नंबर 4 पर है होंडा जैज। होंडा जैज एक 5 सीटर हैचबैक कार है जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आ जाती है। ये इंजन 90 पीएस का पावर और 110 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में हमें 5 स्पीड मैनुअल और 7 स्टेप सीवीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन देखने मिल जाता है। होंडा जैज हमें सिर्फ पेट्रोल वेरियंट में देखने मिलती है जिसका माइलेज अराउंड 16-17 किलोमीटर पर लीटर का। नंबर 3 पर है होंडा सिटी 4th जनरेशन। होंडा सिटी 5 सीटर सेडान कार है जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में आती है जिसका माइलेज अराउंड 17 किलोमीटर पर लीटर का। ये इंजन 119 पीएस का पावर और 145 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। इस कार में हमें 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। नंबर 2 पर है होंडा सिविक। होंडा सिविक मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शन में देखने मिल जाती है। इस कार में हमें डीजल और पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसका माइलेज अराउंड 16-23 किलोमीटर पर लीटर का। होंडा सिविक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 7-inch टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, LED हेडलैम्प्स विद LED DRLs एंड LED टेल लैम्प्स जैसे और भी कई फीचर्स के साथ आ जाती है। नंबर 1 होंडा WRV। होंडा WRV एक 5 सीटर SUV है जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आ जाती है। इस कार में हमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन ही दिया गया है। इस कार में हमें की फीचर्स में देखने मिलता है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED एलिमेंट्स इन द टेल लैम्प्स, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले जैसे और भी कई फीचर्स। नंबर 2